हमने जो डाइस देखे थे वो क्लोज डाइस के सवाल थे, अब हम बात कर रहे हैं ओपन डाइस पर। ओपन डाइस के सवालों में एग्जामिनर दो टाइप के सवाल पूछता है, या तो वो आपसे अपोजिट सरफेस के बारे में पूछता है, या एग्जामिनर फिर पूछता है कि अगर ओपन डाइस को क्लोज किया जाए तो कौन सा डाइस या कौन सा ऑप्शन इसे सही प्रकार से दर्शा रहा है। ओपन डाइस में मतलब दो टाइप के सवाल बनते हैं, या तो अपोजिट पूछा जाता है, या तो फिर वो पूछता है कि अगर इसे बंद किया जाए तो यह किस प्रकार से दिखाई देगा। जनरली एग्जामिनर डायस को ओपन कई तरीके से कर सकता है, बट वह मेनली इन पांच तरीकों का यूज ज्यादा करता है जो मैं आपको बोर्ड पर दिखा रहा हूं। ये पांच तरीके ओपन डायस के शो करने के तरीके हैं, जिसमें अलग अलग अपोजिट सरफेस हम डिटरमाइन कर सकते हैं। यह ओपन डायस पर जब भी सवाल आएगा तो यहां हमें एक नियम सबसे ज्यादा मदद करता है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी ओपन डायस की जब बात करेगी तो, या जब भी किसी ओपन डायस की हम बात करेंगे, तब ऐसे किसी भी सवाल की बात की जाए तो एक ही नियम, जैसे हमने पढ़े थे क्लोज डायस में तीन नियम, वैसे यहां एक ही नियम आपकी सबसे ज्यादा मदद करेगा। क्या नियम है वो? इन द ओपन डायस अपोजिट सरफेस एग्जिस्ट इन स्ट्रेट लाइन एट द गैप ऑफ वन बॉक्स। ओपन डायस में खुले पासे में विपरीत सतह एक सरल रेखा में विद्यमान होती है हमेशा हमेशा, फिर वो सरल रेखा हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल। किसी भी खुले पासे में विपरीत सतहें एक सरल रेखा में विद्यमान होती हैं एक बॉक्स के गैप पर। इन द ओपन डायस अपोजिट सरफेस ऑलवेज एग्जिस्ट एट द गैप ऑफ वन बॉक्स इन स्ट्रेट लाइन। खुले पासे में विपरीत सतह विद्यमान होती हैं हमेशा सरल रेखा में एक बॉक्स के गैप पर। जरा समझिए हम इसके बेस पर। अगर मुझसे कोई पूछे कि इस फर्स्ट ओपन डायस में दो के अपोजिट क्या होगा, तो स्ट्रेट चलिए, तो एक बॉक्स के गैप पर दो के अपोजिट क्या होगा? चार। तीन के अपोजिट पांच। और याद रखिए, जब भी किसी ओपन डायस में हमारे पास दो लोग अपोजिट मिल जाए, दो लोग अपोजिट मिल जाए, तो बचे हुए दोनों अपोजिट ही होंगे, फिर वो दिखे या न दिखे। तो ओपन डायस में एक के अपोजिट, दो के अपोजिट चार, तीन के अपोजिट पांच, तो बात कंफर्म हो गई कि यहां एक के अपोजिट छह होगा। इस टाइप के ओपन डायस में दो के अपोजिट चार, तीन के अपोजिट पांच और एक के अपोजिट छह होता है। अगर इस डायस की बात करें, इस ओपन डायस की बात करें, तो एक के अपोजिट पांच सीधी लाइन में एक बॉक्स के गैप पर, दो के अपोजिट चार, बॉक्स का गैप कह रहा हूं मैं, नंबर का नहीं, दो के अपोजिट चार, एक के अपोजिट पांच और तीन के अपोजिट छह होगा। अगर इस टाइप का ओपन डायस आ जाए तो एक के अपोजिट पांच, दो के अपोजिट चार, तीन के अपोजिट छह। एग्जामिनर यहां एबीसीडी भी दे सकता है, उससे घबराना नहीं। टारगेट यही है कि स्ट्रेट लाइन चलना है और एक बॉक्स के गैप पर। जैसे थर्ड में अगर हम बात करें तो एक के अपोजिट तीन, चार के अपोजिट छह, दो और पांच एक दूसरे के अपोजिट होंगे जो बाद में बच जाए। ओपन डायस में दो पेयर मिल गई तो तीसरी पेयर जो बच जाए वो अपोजिट ही मानी जाएगी। फिर दोहरा दूं मैं, दो के अपोजिट चार, तीन के अपोजिट पांच, एक के अपोजिट छह इसमें है, एक के अपोजिट पांच, दो के अपोजिट चार, तीन के अपोजिट छह, वन के अपोजिट थ्री, फोर के अपोजिट सिक्स और रिमेनिंग टू एंड फाइव ऑल्सो अपोजिट टू ईच अदर। दो और पांच एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब जरा इसमें आए फोर्थ नंबर के ओपन डायस में, तो यहां आपको यह तो दिख रहा होगा कि एक के अपोजिट फाइव है, टू के अपोजिट फोर है, तो थ्री के अपोजिट सिक्स नहीं। जरा ध्यान से देखना, यह मान लीजिए कि कागज का बना हुआ डायस है। अगर मैं इसे फोल्ड करूं, अगर मैं इसे फोल्ड करता हूं तो फोल्ड करने पर यह ट्राइंगल यहां पर गिरेगा, फोल्ड करने पर यह ट्राइंगल यहां पर गिरेगा, फोल्ड करने पर यह ट्राइंगल यहां पर, और फोल्ड करने पर यह ट्राइंगल, अगर ये चारों फोल्ड किए जाए तो ये तीन के ऊपर कुछ इस तरीके से ये ट्राइंगल आएंगे। देखो जरा, इसे फोल्ड किया तो ये ट्राइंगल इस जगह पर आएगा, इसे फोल्ड किया तो ये ट्राइंगल इस जगह पर आएगा, और इन चारों ट्राइंगलों से एक सरफेस बनेगी जो तीन के अपोजिट होगी और कुछ इस तरीके से दिख रही होगी, जहां ऊपर प्लस इक्वल, सर्कल और नॉट इक्वल होगा,
तीन के अपोजिट ये चारों के चारों लोग होंगे। क्या ये बात क्लियर हो रही है? सेंटर के अपोजिट ये चारों होंगे, चारों के चारों, क्योंकि ये चारों एक ही सरफेस के चार पार्ट थे। डायस को एग्जामिनर ने कुछ इस तरीके से कट कर दिया होगा, इस तरीके से, इस डायस को इस तरीके से कट किया होगा, तो ये वाला जो ट्राइंगल है वो उधर, ये वाला ट्राइंगल इस साइड में, ये ट्राइंगल नीचे और ये ट्राइंगल ऊपर गिरा होगा। हम कहेंगे कि एक के अपोजिट पांच, दो के अपोजिट चार और इस सेंटर वाले के अपोजिट चारों होंगे। इसी टाइप में ये भी है, एक के अपोजिट वन के अपोजिट फोर, टू के अपोजिट फाइव और सेंट्रल के अपोजिट फिर से, इसे अगर फोल्ड किया जाए तो ये यहां पर गिर जाएगा, ये वाला पोर्शन यहां गिर जाएगा, ये वाला पोर्शन यहां गिरेगा। तो हम कहेंगे कि तीन के अपोजिट इस बार जो चार कॉर्नर आएंगे वो कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे अगर बातचीत की जाए तो। कहीं पर भी जब हम बात करते हैं ओपन डायस की, तो ओपन डायस में एग्जामिनर जनरली इस टाइप के डायग्राम दिखाता है, स्ट्रेट लाइन चलना है एक बॉक्स के गैप पर और आपको अपोजिट सरफेस इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगी। लेकिन इसमें एक बढ़िया सवाल बन सकता है, उसे मैं आपको बता दूं। हम जब बात करते हैं ओपन डायस में, तो एग्जामिनर इसमें एक बढ़िया सवाल बना सकता है कि आपको ओपन डायस देकर वो आपसे पूछेगा कि इस ओपन डायस को अगर क्लोज किया जाए तो कौन सा ऑप्शन सही प्रकार से इसे शो करता है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक ओपन डायस दिया गया था कुछ इस टाइप का और आपसे कहा गया था कि अगर इस ओपन डायस को क्लोज किया जाए जिसमें ए बी सी डी ई एफ मेंशन है, तो कौन सा ऑप्शन इसे सही तरीके से शो करता है। तो आइए जरा ध्यान से देखें हम इसे कि किस तरीके से इन सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं अगर किसी ओपन डायस को क्लोज करके आंसर पूछा जाए कि क्या होगा। और हमें ऑप्शन कुछ दिए गए थे, बी सी डी, सी डी ई, ए ई एफ और डी ई एफ। तो आइए जरा देखते हैं कि इन चारों में से कौन सा डायस इसी का फॉर्म है, क्लोज फॉर्म है। ऐसे सवालों में हमारी मदद करेगा क्लोज डायस का पहला नियम। आपने देखा होगा पहला नियम, क्लियर है आपको ये पहला नियम। पहला नियम क्या था? जो नंबर एडजेसेंट होता है वो अपोजिट नहीं होगा। तो ये बात भी तो कंफर्म है कि जो अपोजिट होगा वो भी एडजेसेंट नहीं हो सकता, वाइस वर्सा। एडजेसेंट कभी अपोजिट नहीं होते, तो जो अपोजिट होंगे वो भी एडजेसेंट नहीं होंगे। इस ओपन डायस में मुझे इसकी क्लैरिटी है कि बी के अपोजिट कौन है, सी है, बी के अपोजिट सॉरी डी है, सी के अपोजिट ई है और ए के अपोजिट एफ है, बी के अपोजिट डी, सी के अपोजिट ई और ए के अपोजिट एफ है। देन अगर ये कंफर्म है कि बी के अपोजिट डी है, तो बी के अपोजिट डी एडजेसेंट तो नहीं आएगा, जबकि पहला ऑप्शन ये कहता है कि बी और डी एडजेसेंट है, हम कहेंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सी के अपोजिट ई है और इस ऑप्शन में सी और ई एडजेसेंट है, हम कहेंगे सी ऊपर है तो ई नीचे आना चाहिए था, एडजेसेंट तो हो ही नहीं सकता है। और ए के अपोजिट एफ है तो ए और एफ तो एडजेसेंट आ ही नहीं सकते हैं। और जब इन सवालों में हमने तीन ऑप्शन रिमूव कर दिए, तो आपको चौथे ऑप्शन को आंसर मानना होगा कि फिर वो चौथा ऑप्शन इसी ओपन डायस का क्लोज फॉर्म है। फिर दोहरा रहा हूं मैं, किसी भी ओपन डायस की जब बात करेंगे तो हमें अगर ऐसा सवाल मिल जाए तो हम जानते हैं कि बी के अपोजिट डी, सी के अपोजिट ई और ए के अपोजिट एफ होगा इस केस में। और ये अगर अपोजिट है तो ये नजदीक तो नहीं होंगे, जबकि बी और डी नजदीक है, हमने कहा नहीं हो सकता, सी और ई नजदीक है, ए और एफ नजदीक है, तो ये तीन ऑप्शन खत्म हो गए, हम कहेंगे बचा हुआ ऑप्शन आंसर होगा। ओपन डायस को फिर दोहरा दूं, दो टाइप के सवाल होंगे, या तो अपोजिट पूछेगा या वो पूछेगा कि अगर इस ओपन डायस को क्लोज किया जाए तो कौन सा आंसर हो सकता है। ये होता है कंप्लीट सिलेबस डायस का, क्लोज और ओपन। एनी क्वेरी? क्लियर है सभी कुछ? थैंक यू।